अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज मैं आपको मुख्तसर तारुफ बताऊंगा हज़रत शादोल्ला, और वहां आपको मैं लेकर भी जाऊंगा। ये गुजरात का बहुत फेमस दरबार है, इधर से लोग दूर दूर से आते हैं इधर दरबार पे। एक बार सरकार बगदाद अली रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ लाए, तशरीफ ले गए एक 90 साल बुढ़िया को दरिया के किनारे रोकता। एक मुरीद ने बारगाह वसीयत में अर्ज की, मुर्शदी इस बूढ़ी औरत का एक लौटता बहुत ही खूबसूरत बेटा था। बेचारी ने बड़े चाव के साथ उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए घर ला रहा था कि अचानक कश्ती उलट गई। दुल्हन समेत सारी बारात डूब गए। 12 साल गुजर चुके मगर बचाई माँ है, इसका गम नहीं जाता। रोजाना दरिया पर आती और बारात को नाप पाकर रोती और चली जाती। गौसे आजम को उस जईफा पर, उस बूढ़ी औरत पर तरस आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, चंद मिनट तक कुछ रहूर ना हुआ। बेताब हुए फिर अर्ज की, या अल्लाह इस कदर तहीर की क्या वजह है? इरशाद हुआ, ए मेरे प्यारे, ये तहीर खिलाफ तकदीर नहीं। हम चाहते तो एक हुक्म में उनसे जमीनों आसमान सारे के सारे पैदा कर देते, मगर बातकाजा हिकमत हमने 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे हुए 12 साल हो चुके, अब ना वो किश्ती बाकी है ना ही कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाए जानवर खा चुके हैं। रेजा रेजा वो अज्जाई जिसम में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिए। आमद का वक़्त हुआ जाता है, अभी कलाम इस्तेमाल को ना पहुंचा था कि यकायक वो कश्ती अपने तमाम तर साजो सामान के साथ माँ दूल्हा और दुल्हन और बराती सत्याप पर जाहिर हो गए, और चंद ही लम्हों में दुल्हा दुल्हन बराती किनारे पर आ गए। तमाम के तमाम बराती सरकार बगदाद से दुआएं लेकर घर पहुंचे। उसे पाक की इस करामात को सुनकर बेशुमार कुफार उसे पाक की बारगाह में आ आकर आपके दस्ते हक परस्त पर मुसलमान हुए। तो है तो ये उसे पाक की करामत, लेकिन इसमें जो दूल्हा थे वो थे हजरत शादोल्ला। तो ये था हजरत शादोल्ला का मुख्तसर तारुफ। अब मैं आपको वहां लेकर भी जाऊंगा, और मेरे दोस्त भी आने लगे हैं शिरोज और फिजान, और मैं अपने कपड़े भी चेंज करूंगा। तो चलते हैं, वो आने वाले हैं, तो बस चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं उधर का नजारा। हाय गाइस, तो आज हम गुजरात के मशहूर शादोल्ला दरबार पर आपको लेके जाएंगे, और हम आपको उसकी हिस्ट्री बताएंगे, जो जो उसके अंदर होता है, और आगे
गाइस आगे की बात आप फिजान भाई से पूछें और आपको अंदर से सब कुछ दिखाएंगे और लोगों से इंटरव्यू लेंगे कि ये किसने दरबार बनाया था और किस साल में ये बनाया था। लोगों से स्टोरी पूछेंगे ये कैसे आया। और दोस्तों आज मजे की बात ये है, आज जुमेरात का दिन है, बहुत अच्छा दिन है और उधर बहुत से बंदे आए होते हैं। आपको शहदोला दरबार की अंदर से मजार सारा दिखाया जाएगा और बंदों से कुछ सवाल किए जाएंगे तो उनका वो जवाब देंगे कि आप क्यों यहाँ आते हैं। तो आप क्यों यहाँ आते हैं और सबसे अच्छी बात यह है वहाँ पर परिंदे सब कुछ भाई बहुत बहुत अच्छे परिंदे हैं। आगे की बात व्यास भाई से पूछे। तो इसी के साथ आपका टाइम नहीं वेस्ट करते तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लोकेशन दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को करके दबाते जाइए और इस वीडियो पे आपने 20 लाइक करें, इस वीडियो पे आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तक। ओके तो मैं कह रहा था इसी के साथ टाइम नहीं वेस्ट करते चलिए चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिए और बेल आइकन को टन 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 करके दबाते जाइए। ओके चलिए तो आपको इधर से कट करते हैं आगे बाहर जाके हम मिलते हैं। तो अभी हम घर से निकले हैं, वो घर है मेरा पीछे और गाइस अब हम जा रहे हैं अपने शहदोला दरबार में और आगे की बात हम आपको बाद में बताएंगे। ओके शुक्रिया। और अब आस पास से पूछे यार क्या हो गया तुम। तो हम शहदोला चौकी पहुंच गए हैं, शहदोला की मशहूर चौकी है, उसका अंदर का दिन आपको बाद में बताया जाएगा। फिजान भाई इधर फिजान भाई इधर बजे ये आप करने लगे हैं ये शहदोला चौकी और हम अपने यारी से शहदोला चौकी को क्रॉस कर चुके हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितना रश है, निशान है उसको दबाते ही करके और इधर का आप बाजार देखे, ये बहुत मशहूर बाजार है, रश ही रश है। बस पहुंच गए, थोड़ा सा रह गए शहदोला दरबार पास ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सारे हमें देख लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसके बाद एक घंटे का निशान है बेल आइकन को दबाना, उसके बाद ऐसे कर देना ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। इनको दोबारा दो तीन मुक्के दिखाए जैसे मैंने कहा था दोबारा कमेंट में। तो ये देखिए पार्किंग आ गया बस थोड़ा सा। ये शहदोला दरबार की मशहूर पार्किंग है, पार्किंग तो आ गई है और दोस्तों अब ये पार्किंग आ गई है, इसके साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए, बेल आइकन के निशान को भी ज्यादा से ज्यादा दबाते जाइए। ओके तो जैसा कि आपने देखा इधर क्या हो रहा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम इधर पहुंच चुके हैं तो अंदर जाने लगे हैं। ये देखिए अंदर का मतलब एक बंदा बाबा जी को दरबार कश्ती कहती मैं क्या ज्वरिया कहता मैं जुआ जीता बाबा जी ने क्या मैं तुम करो बाबा जी ने क्या वे दसो ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ
ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਤਾਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਔਰ ਇਨਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਇਨਕੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਟ ਆਊਟ ਕਰੇ ਇਨਕੀ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇਨਕੋ ਇਨਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ये देखे ये दुकान है ये सारी चीजें फूल ये सारी पड़ी है ये कोलियां फूल ये सारे दरबार पे चढ़ाए जाते हैं और आगे की वीडियो आगे चलते हैं आगे जाके बताते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए तो ये देखिए इधर कितने ज्यादा खिलौने हैं आगे चलते हैं चल तो हम शितोला दरबार के अंदर इंटर होने लगे मैं दिना के बैग लो ਚਲੀਏ ਚਲਤਾ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ ਆਪਕੋ ਅੰਦਰ ਕਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ तो हम अंदर आ चुके हैं शितोला दरबार के तो इधर और उसे भी पूछेंगे आपको अंदर से भी दिखाते हैं परिंदों की तरफ चढ़ने जाते हैं परिंदे की तरफ जैसा कि आप आया फिलहाल वन तो जैसा कि आपने देखा इधर रश बहुत ज्यादा ये देखिए आज मेरा इसके ज्यादा रश है बहुत ज्यादा रश है इधर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिए उसका बेल आइकन का निशान है तो ये देखिए ये मस्जिद नई बनी है इधर पहले कोई नहीं थी तो हम शितोला दरबार में एंटर हो चुके हैं तो आपको इधर दरबार दिखाते हैं ये देखिए इधर आए ये देखिए भाई वो तो नहीं पता चला ये देखिए ये शितोला दरबार के जो उनसे ज्यादा मानने वाले थे ये उनकी कब्रें हैं और आपको ये शितोला दरबार का सारा मंजर कराया जाता है अगली बात हम आपको बाद में बताई जाएगी ये देखे आप ये ये बैकग्राउंड जा रहा है फिजान यार तू ही आ यार क्यों ये बैकग्राउंड अब जा रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिए सब्सक्राइब बेल आइकन को भी मत दबाना भूल गया और दो तीन इन दोनों को मुक्के भी दिखाइएगा हाँ जी तो चलिए अब अंदर से आपको दिखाते हैं शुरू करते हैं तो ये देखिए इधर भी अब हम दरबार का मीठा पानी पीने जा रहे हैं और आगे की वीडियो हम आपको बाद में बताते हैं चलिए चलिए तो ये देखिए ये पानी पीने लगे सुनान भाई आप ही आए मेरे साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए बेल आइकन बटन मत भूलिएगा दोस्तों पानी बहुत मीठा था और पीने का मजा भी बहुत आया आगे की बात आप जान पाए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिए उसके साथ बेल आइकन का निशाना उसको भी टन 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 करके तो आपको अंदर से भी अभी दिखाते हैं देखो स्लो मोशन करना अच्छा म्यूजिक पर चलिए दोस्तों अब हम अंदर अंदर चलते हैं जाते हैं एक बंद कर अंदर तो अंदर चलते हैं ये भी थोड़ी सी कपड़े हैं इधर ये देखिए चलिए चलते हैं तो हम अंदर आ चुके हैं ये देखिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा
तो वो टोपी रख के आया एक मिनट अब और इधर बकरे की तरफ देखिए ये बकरा इसको जब्बा करने लगे हैं तो इधर क्या एक बार सुबह जब्बा कर लगे तो चलिए अब बाहर चलते हैं किसी से सवाल करते हैं देखते हैं कौन तो हम बाहर निकलने लगे तो ये हमने एक ये पापड़ लिए इधर से तो हम सिदौला दरबार से निकले हैं बाहर वो देखिए बाहर जा रहे ਸ਼ਦੌਲਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਦੌਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਗਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਸੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਛੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਦਰਿਆ ਉੱਧਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਬੜਾ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਮੋਗਾ ਚੋਕਾ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ये जुबान है जुबान खराब होती है जुबान भी है ठीक है काफी चीजें आती है ये महाने हैं ये देखो ये भी न्याज है ये तीस फीट देगा ये नमक है और ये फूल वगैरह में ठीक है और कल आप ये इन फूलों के बारे में कुछ बात बता सकते हैं तो बताएं क्या आप बताएं फूलों के बारे में क्या कितने के बड़े 10 के भी देते हैं 20 के भी देते हैं जितने को ले हुए उतने के देते हैं कितने कितने के ये 10 10 20 के आसपास 100 100 गए ना सही है जा जितने को ले उसके दे देते हैं सही जा इसके अलावा ओके गाइस आपने ये सुना है कि अंकल ने हमारे साथ थोड़ी सारी शिदौला दरबार के बारे में बताया था कि एक दरिया था उन्होंने तरतीब की थी और आगे की बात हम आपको बाहर रखते हैं अंकल आप भी मेरा चैनल चेक कीजिएगा यूट्यूब पे अवैस राजपूत दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा लाइक तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत बेल लाइक को भी दबाना मत भूलिएगा हम मिल काटनी है हमने ले तो मिलते हैं आज की गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन इसको कोई गर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने शिदौला दरबार में जो हमारे का सबसे मशहूर बाजार दरबार है उधर हम पता करने आए थे चीजों का और हमने सारे डिटेल ले लिया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा ओके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ओके बाय अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जैसा कि दोस्तों आपने देखा हमारी शिदौला दरबार की वीडियो आज बन चुकी है उससे पहले भी हमने आपको एक सोनी के बाजार सोनी महिवाल के बाजार की वीडियो दिखाई थी अगर एक और चाहिए ऐसी अगर और ऐसी चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना मत भूलिएगा और कंपनी लाइक को भी ऐसे दबाना है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें लाइक शेयर मुक्के इन दोनों को दिखाएं इसे एक दिखाना है ऐसे 3, 2, 1